গুজরাটের মাধাপুর মেলার সামরি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিজের ভাষণত মহাভারতের দিনের পরম আর গুজরাটের সম্পর্কের কথা দোহারিলে মুখ্যমন্ত্রী। দ্বারকার মাধাপুর মন্দিরত কৃষ্ণ আর রুক্মিণীর বিবাহ মিলন হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণত স্থান পালে সর্দার বল্লভ ভাই পেটেলের প্রসঙ্গ। 30 মার্চের পর অনুষ্ঠিত হওয়া এই মেলার আজি সামরণি পড়ে। অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। आसाम से विशेष रूप से यहाँ पर बधा रहे हैं आसाम के मुख्यमंत्री महोदय, आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रदेश हिंदुस्तान का आसाम, आपका सहृदय स्वागत है। आमंत्रित करते हैं आप सभी की तालियों की गूंज के साथ श्री हिमंत बिस्व शर्मा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम फॉर हिज ओकेजनल स्पीच। गुजरात सरकार ने हमें उत्तर पूर्व से बुलाया और ये महान अनुष्ठान में शामिल होने के मौका दिया। अभी अभी अरुणाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने बोल रहा था कि जहां से सूरज का उदय होता है उत्तर पूर्व अरुणाचल, वहां से रुक्मिणी जी आए थे भारत की ये पश्चिम प्रांत में जहां सूरज का अस्त होता है, और भगवान कृष्ण ने सूरज का पूरा परिक्रमा का साथ भारत को जोड़ने का प्रयास किया था 5000 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को विवाह किया था, लेकिन वो सिलसिला वहां समाप्त नहीं हुआ था। आगे जाके भगवान श्री कृष्ण का नाती अनिरुद्ध ने में भी आसाम से उषा का विवाह किया था और उनको भी द्वारिका लेके आया था। असम में मुस्लिम लीग का सरकार बना था पार्टीशन का पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल असम गया था और कांग्रेस का लोगों को उत्साह दिया था कि कैसे हमारा सरकार हो सकता है, कांग्रेस का सरकार हो सकता है मुस्लिम लीग सरकार का जगह में। सरदार वल्लभ भाई जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही स्ट्रांग निर्णय था जिससे आसाम का और उत्तर पूर्व का जो हमारा अस्मिता उनको बसा के रखने में बहुत बड़ा मदद मिला था। महाभारत का समय में अर्जुन ने चित्रंगदा का शादी किया था मणिपुर में, और आसाम का कोई योद्धा महाभारत का समय में आके राजा भगदत्त जैसा बड़ा बड़ा योद्धा आके महाभारत युद्ध में अंश लिया।